माय यूट्यूब चैनल अजीत बाइकर ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा आप देख रहे हैं, आपको थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया हो कि मैंने वीडियो किस बेसिस पे बनाया है। तो फ्रेंड्स, मैं जो अभी हेलमेट यूज कर रहा हूँ वो हेलमेट है आपका ये स्टर्ट्स का इलाइट निंजा है, जो अराउंड 950 को मेरे को मिल गई थी मार्केट से। और इसमें कुछ मैंने मॉडिफिकेशन किए हैं और ये सारी मॉडिफिकेशन मैंने खुद घर में करी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये शेयर किया जाए, ताकि आप भी अपने हेलमेट में कुछ भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जैसा मैंने किया है। तो ये पहले जब मैं खरीदा था तो ये बहुत ही सिंपल हेलमेट्स थे, बट मैंने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सब जो व्हाइट स्टिकर देख रहे हैं, तो ये सब मैंने खुद से घर में मॉडिफाई किया है। वो स्टिकर रेडियम का स्टिकर आती है, वो उसको मैं परचेज करके घर में लाया था और उसको मैं कटिंग करके इसमें इंस्टॉल किया है। तो ये सब जो देख रहे हैं मॉडिफिकेशन, मैंने खुद घर में करी है। और ये सब फ्रंट का भी डिजाइन मैंने खुद घर में बनाया है। और जो ये अल्पाइन स्टार वगैरह जो देख रहे हैं, तो ये मैंने ये परचेज किया था। ये सब जो स्टिकर देख रहे हैं, ये सब मैंने घर में खुद बनाया है। और ये गोप्रो का मैं बाहर से स्टिकर में बनवा के मैं लगवाया था, तो ऐसा मैंने इंस्टॉल किया है। तो आप भी सिंपल से सिंपल हेलमेट को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप अच्छे से उसको एक अच्छा लुक दे सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये मैंने एमसील से इसको सिक्योर किया है, जहाँ पे मैं अपना मोबाइल को माउंट करता हूँ, यहाँ पे जो मोटो ब्लॉगिंग जिससे मैं करता हूँ। और एक मैंने यहाँ पे भी मोबाइल के लिए एक माउंट सिक्योर किया है। तो ये सब ओवरऑल लुक बहुत अच्छी आ रही है। ये मेरा बाइक का मैंने नाम लिख दिया है पल्सर, जो मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे एक और मैं येलो कलर का एक्रोबिक का मैंने स्टिकर डाला है। और ये अपना इंडिया का फ्लैग मैं यहाँ पे इंस्टॉल किया है। ये हेलमेट का लुक मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि मैंने खुद से इंस्टॉल किया है। आप हेलमेट में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप उस हेलमेट को कितना लाइक करते हैं। तो यही सब बात है गाइस। तो मैं सोचा कि ये सब मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि अगर आपके पास भी एक सिंपल सा सिंपल हेलमेट है, तो आप भी आप उस हेलमेट को थोड़ा सा स्टिकर वगैरह करके आप उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जिन भाई लोग के पास एक्शन कैमरा नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए स्पेशली है, क्योंकि मेरे पास भी एक्शन कैमरा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे मोबाइल से मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ। ये वो चीज़ है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये सॉल्विक का मैंने ये परचेज किया था, जो मोबाइल माउंट करने के लिए आती है। तो ये अराउंड मेरे को 370 रुपीज़ की ये आ गई थी मेरे को। तो ये परचेज किया था मैंने अमेजोन से। तो अमेजोन पे कभी कभी वो डिस्काउंट आती है, तो आपको हो सकता है इससे कम प्राइस में भी आपको मिल जाए, और हो सकता है इससे ज़्यादा प्राइस हाई भी हो सकता है। तो ये सब डिपेंड्स करता है कि अमेजोन के ऊपर कितना डिस्काउंट चल रहा है। तो गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप मोबाइल से मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो। और इसका जो ऊपर का पार्ट है, ये मैं अलग पार्ट अमेजोन से परचेज किया था। और इसके साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जे माउंट है, 3 स्क्रू है और 2 छोटे छोटे माउंट इन्होंने दिया है। तो ये और हेलमेट में जो आप देख रहे हैं, ये वाली माउंट जो किया हुआ, और ये वाली हुक, तो ये सब साथ में मेरे को मिला था। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका हेलमेट फॉल डाउन होता है, अगर गिर जाता है, रोड्स पे गिर जाता है, तो आपका ज़्यादा चांस रहता है आपका मोबाइल टूटने का। तो उसके लिए मैं ये एक हुक मैंने इंस्टॉल किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका मैं यूज आपको बताता हूँ मैं कैसे यूज करता हूँ। और मैंने एक जो मोबाइल होल्डर है मेरे पास, तो इसमें भी मैंने एक हुक मैंने इसमें इंस्टॉल किया है, जैसा कि आप भी देख सकते हैं। आपके घर में भी शायद होगा ऐसा हुक, तो आप इसको एक वायर के थ्रू, आप एक धागा होता है उसमें आप इंस्टॉल करके इस तरह का हुक आप लगा सकते हैं। देख लीजिए, ये रही फ्रेंड्स। तो इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, पहले इसमें मोबाइल में लगाता हूँ इस तरह का। इस तरह से आप मोबाइल लगा लीजिए और इसको टाइट कर लीजिए। बहुत इजी है जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें सिर्फ क्लिप करना है, ये देखिए, और ये क्लिप हो गई। और अगर आपका मोबाइल नहीं गिरे, इसके लिए मैंने ये इंस्टॉल किया है। तो ये रहे फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका एमसील अगर यहाँ से टूट जाता है, तो आपका मोबाइल नहीं गिरेगा, क्योंकि ये जो हुक है मैंने हेलमेट में इंस्टॉल किया है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ है जो आपको सेफ्टी देता है, जो आपको जरूर करना चाहिए हेलमेट में। इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना आपके साथ ये शेयर किया जाए। जो मोटो ब्लॉगिंग मोबाइल से करते हैं, उनके लिए बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा है। और कभी कभी क्या होता है कि जब आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, तो आपको माइक का इशू आता है कि आप माइक उसको कैसे इंस्टॉल करें। तो मेरे पास गाइज इतनी बजट नहीं थी,
तो मैं ईयरफोन का यूज करता हूँ मोटो ब्लॉगिंग में, और उसको मैंने इंस्टॉल किया है इस जगह पे। आप जैसा आप देख रहे हैं, ये माइक मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। ये चार स्क्रू हैं जिनको मैं ओपन किया था, और सारा इसका जो हेडसेट होता है उसको मैंने अंदर ही, इसको चार स्क्रू खोल के इसको अंदर इंस्टॉल किया, और सिर्फ माइक को मैंने ओपन किया है यहाँ पे। इस जगह पर मैंने इंस्टॉल किया है, सिर्फ और सिर्फ माइक यहाँ पे है। तो इसका जो वायर मैं फ्रंट से यहाँ से मैंने निकाला है, जैसा कि आप वायर देख रहे हैं, और वायर को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे मैंने टेपिंग की तरह यूज किया है। तो यहाँ से मैं वायर यहाँ से निकालता हूँ और डायरेक्ट मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको मैं पहन के दिखाता हूँ और आपको रोड्स पे इसको माउंट करके भी दिखाता हूँ, और इसका फुटेज भी आपको दिखाता हूँ कि ये मोटर ब्लॉगिंग कैसे करता है और कितना बेनिफिट है। सो गाइज, आप लुक देख सकते हैं इसको पहनने के बाद, इस तरह की कुछ लुक आएगी आपको। तो आई एम रेडी फॉर मोटो ब्लॉगिंग, और आपको ये लुक पसंद आती है तो आप बिल्कुल गाइज बेशक आप इस तरह का मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट में बताइए, और आप खुद समझदार हैं आपको क्या करना है, मैं नहीं बोलूँगा। सो तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और प्लीज़ गाइज राइडिंग सेफ कीजिए।